अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे स्वराज इंजन के बारे में है और यहाँ पर सचिन कपूर जी ने पूछा है कि इसमें लंबे अवधि के लिए थोड़ा आपका नज़रिया क्या है। 50 शेयर उन्होंने आज ही खरीदे हैं 2050 के भाव पर, तो पूछ रहे हैं कि अभी और खरीदने का मन है तो एवरेज करना कितना सही रहेगा, उसके लिए कौन सा लेवल ठीक रहेगा। देखिए, मुझे स्वराज इंजन पे इस लेवल पे वैल्यूएशन का डिससेटिस्फेक्शन, सिंपल सी बात यहाँ पे। अदरवाइज इनका ये जो टाइम है इस समय, मोस्टली ऐसे समय में इनका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंड होता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी तक तो आई थिंक अभी भी इस कंपनी का रिजल्ट ग्रोथ सारा ठीक आया है, कहीं पे कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती। मुद्दा ये है कि वो ऑलरेडी इन प्राइस है और यहाँ के बाद इनका स्लैक सीजन शुरू हो जाता है, मानसून खत्म होने के बाद। तो अगर स्लैक सीजन शुरू हो जाएगा तो जो आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था उसके बाद आपका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेरा ऐसा अंदाजा है। इसलिए ये कभी करेक्शन कूल ऑफ में मिले तो लेना मेरे अंदाजे से ठीक रहेगा ज़्यादा, नहीं तो फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल पे बहुत सही वैल्यूएशन नहीं है लेने के। लॉन्ग टर्म में ये सब अच्छे कंपनी है, देखिए ग्रुप अच्छा है और क्वालिटी कंपनी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो ये है कि इसके लिए अब जो ये लो है ना 2000 के आसपास वाला, ये बहुत ही क्रूशल हो गया। क्यों क्रूशल हो गया है? बिकॉज जो इसका प्राइस कन्वर्ट आप हो रहा 2000 की बात कर रहे हैं या लो इसका 1935 के आसपास है। है। नहीं, मैं 2000 वाले की बात कर रहा हूँ, 2024 के आसपास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ 1935, सॉरी 1935 का जो लो है ना, जी ये बहुत ही क्रूशल हो गया है। ये आप 1950 राउंड कर लीजिए, उसके नीचे आपको क्लोज नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, क्योंकि इसके नीचे क्लोज अगर हुआ तो फिर ये अपना नेक लाइन के आसपास टेस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि होगा 200 DMA, विच इज क्लोजर इन द रेंज ऑफ 1700-1800। वहाँ पे वैल्यूएशन भी फेवरेबल हो, यहाँ पे नहीं फेवरेबल है। तो यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि चला तो चला, नहीं चला तो फिर चाइना, उस हिसाब से आपको इसको ध्यान रखना है। और अभी खराब नहीं है, अभी फिलहाल ये रेंज में है 1950 और 2125-50, यही रेंज में जी। इधर साइड अच्छा, ब्रेकआउट होगा तो निकलेगा क्या ये। धीरे धीरे अगर बहुत तेजी से अचानक ना गिर जाए तो क्या कुछ समय में, कुछ हफ्तों में ये एक तरह से अपना 61.8% रिट्रेसमेंट पूरा करने की तरफ आना चाहता है, वहीं पर धीरे धीरे इसका 200 मूविंग एवरेज भी आ जाएगा। इसमें क्लैरिटी नहीं है मुझे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन यही कह रहा है कि इसका करेक्शन ट्रिगर हो चुका है, लेकिन ये जो लेटेस्ट राइज है ना 1935 के पास, और ये 1935 के पास राइज होके फिर 2100 निकल भी रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे अगर नहीं रुका तो हो सकता है कि फिर ये हेड करेगा टुवर्ड्स 2200-250। अब यहाँ पे ये मेन है, ये सिचुएशन 2100 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है इसको, इसके ऊपर अगर मूवमेंट चाहिए तो। और इसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि 7-8% से ज्यादा फिलहाल मूवमेंट है, क्योंकि जी वैल्यूएशन इसको रोकेगा आगे बढ़ने मतलब से। अभी ये जो लगभग 21-15 के आसपास का ताजा टॉप बना है, अगर ये पार हो जाता है मतलब फिर वो करेक्शन वाले अंदेशे खत्म हो जाएंगे। हो जाना चाहिए जी, तो फिर मोटे तौर पे अभी इस पे मतलब राय क्या बनाई जाए इसमें। जैसे इनका सवाल है कि एक तो आज इन्होंने थोड़ा सा खरीदा है, थोड़ा और खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा और खरीदने के लिए क्या करें, ये रुक जाएं अभी फिर। वो तो जैसा डिसीजन ले, मेरा मेरा ऐसा मानना है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, वो ये है कि खरीदने के पीछे मेरा ट्रिगर क्या है। जिस जिस बिजनेस का सीजन जा रहा है, जो सिक्लिकल इन नेचर है, सीजनल इन नेचर है, जिस बिजनेस का सीजन जा रहा है वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी जाके दाव लगाना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब मार्केट फ्रेंजी में ये भी हो सकता है कि ये भी चले चले, अगर मार्केट बाउंस हो गया तो उसमें दो आपको एनालिसिस कर लीजिए कि आपको स्टॉक इन आइसोलेशन देखना है या मार्केट के साथ का मूवमेंट देखना है। मार्केट के साथ का मूवमेंट देखना है, बहुत क्लियर है कि 1950 कट ऑफ है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसके नीचे 150-200 रुपए का तो आराम से, मतलब आप समझिए कि 10% का करेक्शन हो सकता है उसके नीचे, मेरा ऐसा अंदाजा है। और 2100 के पहले कोई
कोई रीजन भी नहीं है इसको ऊपर जाने का। तो इसलिए बस ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों का। और फिर ट्रैक्टर डिमांड अगले साल ही आने वाले हैं, बहुत अगर आएंगे अगले साल नहीं तो थोड़ा डिमांड आपको ईयर एंड में मिलेगा, तो बीच में जो स्लैक सीजन है ये निकालना जरूरी है स्टॉक। जी